Welcome, my dear students. Today we will learn about a poem written by Kit Wright. हम आज एक poem पढ़ने वाले हैं जो Kit Wright, जिसके poet कौन है? Kit Wright. Okay. Dead and the cat and the tree. यानी पिताजी, बिल्ली और एक पेड़. ठीक है. So this poem is about dead and cat and the tree. Okay. So have you ever seen a cat climbing? आपने कभी किसी बिल्ली को पेड़ चढ़ते हुए देखा है? पेड़ पर चढ़ते हुए. Sometimes a cat may climb too high. कभी कभी बिल्लियाँ बहुत ऊपर चढ़ जाती है and get stuck in tree. और वो पेड़ों में फंस जाती है. The poor thing can't come down without help. और वो बिना सहायता के नीचे नहीं उतर सकती. So इस poem में कुछ ऐसी ही स्टोरी दी हुई है. ये फादर है और ये मदर और ये जो है उनकी डॉटर है. इस तरीके से एक बिल्ली पेड़ में फंस जाती है तो उसी के बारे में ये पोएम है. बहुत ही अच्छी पोएम है. दिस मॉर्निंग अ कैट गोट स्टक इन अवर ट्री. आज सुबह एक कैट जो है स्टक इन अवर ट्री, यानी हमारे पेड़ में एक बिल्ली फंस गई. स्टक यानी वो कुल मिला के ऊपर चढ़ गई तो उतर नहीं पा रही थी, है ना. डेड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी. ठीक है, ये मेरे ऊपर छोड़ दो. द ट्री वॉज वोबली. ट्री थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी था या पेचीदा था. द ट्री वॉज टाल और बहुत लंबा भी था. मम सेड, मदर ने कहा, फॉर गुडनेस, अच्छाई के लिए, शेक डोंट फॉल, गिर मत जाना. मतलब ये मदर ने वार्निंग दी कि कहीं आप गिर मत जाना. फॉल स्कोप डेड, यानी उनके पिताजी ने ऐसे इत्तेफाक करते हुए बोला कि गिरना, अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसा चढ़ने वाला गिर सकता है. क्लाइंबर यानी मैं पेड़ पे आसानी से चढ़ने वाला. चाइल्ड्स प्ले, ये मेरे लिए बच्चों का खेल है. दिस इज यू वेट एंड सी, तुम जस्ट देखो, है ना. ही गोट आउट द लेडर फ्रॉम द गार्डन सेट. वो गार्डन में जो सेट बना हुआ है वहाँ से लेडर यानी सीढ़ियाँ उठा के, ये जो लेडर है ये सीढ़ी उठा के ले आए. इट स्लिप्ड, उन्होंने सीढ़ी लगाए चढ़ने की कोशिश की होगी. इट स्लिप्ड, वो फिसल गई. ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, और डेड भी उसके साथ साथ में जो फ्लावर नीचे हैं उनके ऊपर गिर गए. नेवर माइंड, यानी फिक्र मत करो. सेड डेड, पिताजी ने कहा, ब्रशिंग द डर्ट, यानी वो धूल साफ करते हुए. ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस, यानी उनके जो मुंह और चेहरे पे धूल लग गई थी क्योंकि वो उसमें झाड़ियों में गिर गए थे. एंड हिज ट्राउजर एंड हिज शर्ट, वो अपने कपड़ों से और अपने चेहरे और बालों में से धूल हटाते हुए बोल रहे कि नेवर माइंड, यानी टेंशन मत लो. विल ट्राई प्लान बी, हम प्लान बी ट्राई करते हैं. यानी प्लान है तो क्या हो गया, वो सीढ़ी लेके आए. अब वो क्या बोले, वी विल ट्राई प्लान बी, अब हम प्लान बी यूज करेंगे. स्टैंड आउट ऑफ द वे, दूर हटो रास्ते से. मम सेड डोंट फॉल अगेन, ओके. तो मम्मी ने फिर क्या कहा कि डोंट फॉल अगेन, ओके, यानी फिर से गिर मत जाना. फॉल अगेन, सेड डेड, यानी मैं गिरूंगा. फनी जोक, तुम भी मजाक करती हो. देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच, और फिर उन्होंने अचानक खुद को एक डाली से झूला लिया. स्वंग हिमसेल्फ ऑन अ ब्रांच, यानी पेड़ की एक डाली थी उससे खुद लटक गए. इट ब्रोक, और वो डाली टूट गई. डेड लैंडेड वॉल ऑफ बैक ऑन द डेक, और वो झाड़ियों में गिर गए. मम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक, तुम ये मत करो, अपनी गर्दन तुड़वा लोगे. रबिश, सेड डेड. डेड ने बोला कि क्या बकवास कर रही हो. नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, अब हम प्लान सी करेंगे. इजी एज विंकिंग, ये पलक झपकने वाला काम है. टू क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसे पेड़ पे चढ़ने वाले के लिए ये एक पलक झपकाने जितना ही काम है. देन ही क्लाइम्ड अप हाई, फिर वो अचानक ऑन द गार्डन वॉल, गार्डन के पास में एक वॉल थी उसके ऊपर बहुत ही ऊंचाई पे चढ़ गए. गेस व्हाट, अब सोचो क्या हुआ होगा. ही डिडंट फॉल, किस्मत इस बार वो गिरे नहीं. ही गेव अ ग्रेट लैप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द केट. अब वो उस वॉल पे से डायरेक्ट उन्होंने जंप, यानी लैंडेड ग्रेट लैप, यानी उन्होंने अचानक ही पेड़ को पकड़ा उछल के, तो उस पेड़ की एक डालियों के बीच में फंस गए जस्ट बिल्ली के सामने राइट ऑन द कैट. द कैट गेव अ येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और बिल्ली जो है जो वहाँ फंसी हुई थी, एक्चुअली वो फंसी हुई नहीं थी, वो वहाँ से उसने बहुत ही होशियारी से जंप मारा. प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एंड ग्राउंड, और जिस तरह आपने बिल्लियों को देखा होगा कितने धीमे तरीके से उसने जंप मारा और बहुत ही आसानी से वो ग्राउंड पे सेफ लैंड किया. सो इट्स स्मेलिंग एंड स्मर्किंग स्मग एज कैन बी, और ये बहुत ही, बट पुअर ओल्ड डेड्स स्टिल स्टक अप,
तो बिल्ली तो बड़ी आसानी से वहाँ से कूद गई, लेकिन ये बहुत ही हंसाने वाला और गुदगुदाने वाला काम था कि बिल्ली तो वहाँ से निकल गई, लेकिन फादर जो है डेड वो वहीं फंसे रह गए, स्टक अप द ट्री। ये किट राइट ने पोएम लिखी है, बहुत शानदार पोएम है। सो जिस तरह ये बिल्ली ऊपर बैठी थी, इनको लगा ये फंस गई है, इनको उतारने के लिए इन्होंने प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी किया, लेकिन तीनों प्लान में डेड फेल हो गए और बिल्ली भाग गई, है ना। सो बहुत ही अच्छी पोएम। ओके, आपको भी इसको पढ़ना है, फिर आपको क्वेश्चन आंसर इसके दिए जाएंगे। ओके, बाय।